देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हमें एक प्रोजेक्ट करना है, तो आज हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसके अंदर मेरे पास स्टार्टिंग डेट दी है, एंडिंग डेट दी है। ये प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पर आपका पहला प्रोजेक्ट 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था और 3 दिन चला था। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से कलर करना है कि इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के हिसाब से इसको कलर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा इसके अंदर एंड का फार्मूला लगेगा। एंड में बोलेंगे अगर ये वाली वैल्यू, ये 0 1 नहीं है, आप सोचो कभी आपका ये 0 1 है, ये 0 1 नहीं है, वैल्यू क्या है आपकी? 1 11। तो मैंने इसमें किसकी मदद ली है? मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद ली है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर मैं एक बार डी डाल दूंगा तो क्या जाएगा? मेरा टैक्स आएगा। 4 बार डालूंगा तो फुल, और अगर एक बार डालूंगा तो शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है? डे आता है। तो मैंने उसकी मदद ली है। फिर मैंने यहाँ पर एंड गया, मैंने एंड को बोला एंड अगर ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर है। दूसरी कंडीशन अगर ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू इस वैल्यू के, तो आप क्या कर दो? कलर कर दो। रिजल्ट आपका क्या आ गया? ट्रू। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा? ट्रू को ही पकड़ेगा इसी फार्मूला। लेकिन इसमें फ्रीज करना जरूरी है। अब देखो इसमें क्या फ्रीज करेंगे। अब मेरी ये रो हमेशा फिक्स रहेगी, रो नंबर कितनी? 4 हमेशा फिक्स रहेगी। जब ये फार्मूला आगे ड्रैग हो जाएगा तो कितनी रो हो जाएगी हमारी? रो तो फिक्स रहेगी। कॉलम डी से कहाँ जाएगा? ई। जब ये आगे जाएगा तो कॉलम क्या हो जाएगा हमारा? ई से एफ। मतलब कॉलम चेंज हो रहा है, रो मेरी फिक्स है। तो इसके अंदर मैं क्या फिक्स कर दूंगा? रो। जो मेरा D4 है वो हमेशा क्या हो जाए? फिक्स है। लेकिन नेक्स्ट जब मैं आगे नीचे फार्मूला ड्रैग करूंगा तो B5 क्या बन जाए? B6। अगर क्या बन जाए? फिर मैं आगे नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या बन जाए? फिर नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या बन जाए? फिर नीचे, फिर ठीक है। तो इसमें क्या फ्रीज करूंगा? कॉलम फ्रीज करूंगा। फ्रीज हो गया मोहित। अब यहाँ D4 है, मेरी रो तो हमेशा एक जैसी रखनी है, तो यहाँ पर क्या फ्रीज होगी आपकी? रो। अब सी है, सी जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मोहित क्या हो जाए? यहाँ क्या है? नीचे ड्रैग करूँ तो क्या हो जाए मेरी? C6। मतलब मेरी रो चेंज ना हो, क्या हो जाए? कॉलम चेंज हो, सॉरी कॉलम फिक्स है, रो चेंज हो जाए। यहाँ पर कितनी रो आपकी? 5। जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो रो कितनी हो जाए? 6। मैं नीचे ड्रैग करूँ तो कितनी हो जाए? 7। फिर 8 9 10 11 ऐसे आते रहे। तो इसमें क्या फ्रीज करेंगे मोहित? मैं एक बार F4 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? दो तरफ 2 आएगा। एक बार हटाऊंगा तो इस समय आपकी क्या फ्रीज होगी? रो फ्रीज होगी। क्यों? रो कितनी आपकी? 5 है। लेकिन हमें क्या फ्रीज करना है? कॉलम। तो यहाँ पर एक बार और F4 दबाऊंगा एंड देन एंटर मार दूंगा, हो गया। और फिर इसी कंडीशन को मैं यहाँ से फॉलो कॉपी करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल्स के अंदर फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इक्वल लगा के। देन इक्वल तो लगा ही था ना, आई थिंक देन इक्वल एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए एंड देन कलर कर दीजिए। मैंने कहा कलर हो और इसी के बीच में आपका क्या आ जाए? मैंने कहा कलर करना है लेकिन इसके बीच में रेड कलर का बॉर्डर आए, तो मैंने यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया और मैंने बॉर्डर में आउटसाइड डाल दिया, आ गया। और मैं इसको फॉर्म प्रिंटर से ट्रैक, हो गया कलर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला मेरा प्रोजेक्ट 3 से 8 तारीख तक चला है, कब तक चला है? 8 तक। मैं जैसे ही यहाँ 8 करूँगा ऑटोमेटिक वो 8 तक कलर हो जाएगा। मैंने कहा मेरा प्रोजेक्ट 7 से स्टार्ट हुआ था और 21 तक चला है, 7 देन 21, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। किसी को भी प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में? ये जो आपने डेट जो डाली हुई है, हाँ ये आपने बताया कि आपने कस्टम से डीडी फॉर्मेट के थ्रू डाला हुआ है, कि हाँ पर्टिकुलर 1+ क्या होगा ना नेक्स्ट वाली में? नेक्स्ट वाली में 1+, लेकिन मैंने प्लस नहीं करा, मैं तो फार्मूला डिलीट करा फिर इसको कॉपी कर दिया। वैसे आप लोग एक कर हाँ सकते हो। मैंने उठा लिया हाँ, मैंने कहा दिस प्लस दिस, तो मैंने एक वैल्यू को प्लस करा होगा, ठीक है। फिर मैंने फार्मूला रिमूव कर दिया होगा बाद में, लेकिन प्लस वन ही करा होगा सब में। कब तक? जब तक इसका मंथ क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ डेट चेंज हो जाएगी रिजल्ट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में? आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है ये भी आ जाए साथ साथ, कि P1 है P2 है, तो आप यहाँ पर एक कंडीशन देना पड़ेगा इफ़ एंड देन वही कंडीशन को पेस्ट कर दो, एंड वाली कंडीशन को जो आपने यहाँ लगाई है कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के। तो काम बहुत सारे कर सकते हो लेकिन बट अभी आपको हाँ बोलो। हाँ जैसे कभी लेन हो गया, कभी हाँ हो गया,
हाँ ये बेसिकली मैं जानना चाह रही हूँ कि हर एक फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन पे एप्लीकेबल है। अलग तो अलग अभी करने। आपने ऐसा इसका दिया, तो हाँ इस कंडीशन किस बेस पे एप्लीकेबल है, अब क्योंकि मुझे ये चीज़ है ना बहुत कंफ्यूज करती है। हाँ अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना कि जैसे पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पर P1 आ जाए, अगर दूसरा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाए, P2 आ जाए, यहाँ P3 आ जाए। मुझे डायनेमिक ही करना है, मैन्युअली ऐसे नहीं लिखना है कि मैं यहाँ गया मैंने लिख दिया P1, मैं यहाँ गया तो मैंने यहाँ लिख दिया P1, पहला प्रोजेक्ट है सर। मैं यहाँ मैन्युअली नहीं लिखना चाहता, मुझे डायनेमिक करना है कि मैं एक बार फार्मूला लगाऊँ, नीचे जब मैं ट्रैक करूँ इसको तो सभी का अपना रिजल्ट चेंज हो जाए। देखिए कैसे, अब टास्क हमारा ये है कि मुझे यहाँ पर इसको उठाना है P1, फिर आगे जाए तो P2 हो जाए, मतलब अपने आप चेंज होता। तो मैंने यहाँ कंडीशन दी, मैंने बोला इफ़, और इफ़ के साथ वही फार्मूला पेश कर दिया जो मैंने पहले लगाया। मैंने कहा अगर ये वैल्यू आपस में से अगर यहाँ रिजल्ट ट्रू आता है तो आप यहाँ क्या दे दो, आप ये वाली वैल्यू को दो, नहीं इस वैल्यू को दो। एंड देन मैंने कहा इसका रो फ्रीज नहीं करनी, इसका कॉलम फ्रीज करो ताकि ये आगे जाए ना, और अगर कुछ नहीं हो तो उसको ब्लैंक कर दो। अब देखिए सागर प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ही आ गई क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए। एंड देन क्या हुआ, देखिए P1 आ गया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा सब जगह P है, लेकिन मैं इसको आगे लेके जाऊँगा ना तो ये चेंज नहीं होगा, और मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा रिजल्ट अपना आप हर जगह जो जैसे डेट होगी उसके हिसाब से। देखो यहाँ P2 आ गया, P3, P4 और P5। अब इसको जब मैं आगे ड्रैग करूँगा तो अपने रिजल्ट अपने आप चेंज कर रहा है। अब फार्मूला में एक जगह लगाया था, मैंने एक जगह फार्मूला लगाया और सभी में चेंज कर दिया, ये बेनिफिट है मेरे लिए। तो फार्मूला हम लोग अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप किसी फार्मूले को आप जानते ही नहीं हो। जब आपके इसमें से हर एक फार्मूला हो जाएगा विद एग्जाम्पल, तीन तीन चार चार एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। और फिर आप, मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ लेकिन जब आगे चल के चलोगे ना, जैसे आपको अटेंडेंस बनानी है, फिर मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप इसमें डायनेमिक कर सकते हैं। अभी आपको नहीं आता तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप जज नहीं कर पा रहे कब मुझे इफ़ लगाना है, कब मुझे एंड लगाना है और कब मुझे और लगाना है। जब आप आगे चल के थोड़ा सा काम करने लगेंगे, फार्मूले की नॉलेज हो जाएगी, देन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो इसमें और चेंजेस करने, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा P1 है उसमें मेरा फ़ॉन्ट कलर येलो हो जाए, तो आप यहाँ जाके बोल दो कंडीशन के अंदर कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू क्या है मेरी P1 है तो किस में कलर कर दो इसका, कोई और कलर कर दो उसको, आप फ़ॉन्ट साइज़ आप इसमें से मेरा ये कर दो, तो आप यहाँ से अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपका रेड हो गया। तो मतलब अब चेंज करने बैठो तो अब इतने चेंजेस कर दें तो बहुत हो जाएगा चेंजेस करना, लेकिन बस आपको भी फार्मूले की नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बताने का मेन मोटिव ये कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अटेंडेंस शीट बनानी है, मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बना के दिखा सकता हूँ, बट मैं कल इसलिए नहीं दिखाऊँ, आज दिखाने का था लेकिन अब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज आपकी रिविजन हो गई और आपको फार्मूले में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। जब आपका फार्मूले ख़त्म कर दूंगा तो फिर एक बार मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा किस तरह से इसमें डायनेमिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की 5 क्लास होगी, 3 क्लास तो मैंने आज दे दी, 2 क्लास बची है, वो आपकी जब फार्मूला ख़त्म हो जाएगा फिर आपकी 2 क्लास मैं बाद में दूंगा। तो टोटल कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आपकी 5 क्लास होती है, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कल आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोटेक्ट शीट, कि शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ये भी एक पूरे दिन की क्लास है, इसमें एक पूरा क्लास लग जाएगी क्योंकि प्रोटेक्ट करने के कई तरीके हैं शीट को, 5-6 तरीके, आप उस तरीके से शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, आप बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।